हेलो गाइस, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग चैनल आर्ट कैसे बना सकते हो अपने स्मार्टफोन से। दोस्तों कुछ लोग यहाँ पर बताते तो हैं, लेकिन दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे छुपाते हैं। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको ए टू जेड इन्फॉर्मेशन बताने जा रहा हूँ। अगर आप एक बिगनर हो, एक नए क्रिएटर हो, तो आप यहाँ पर प्रोफेशनल की तरह वीडियो बना सकते हो। तो कैसे बना सकते हो दोस्तों, जानने के लिए देखते रहिए पूरा वीडियो। यहाँ पर मैं आपको ए टू जेड इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, साथ साथ एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन भी देने वाला हूँ, जिससे आपको काफ़ी फायदा होने वाला है। जी दोस्तों, आप अपने स्मार्टफोन में बना सकते हैं भी कुछ ही सेकंड में आप मेरा वीडियो देखने के बाद। तो चलते हैं वाली स्क्रीन पर। यहाँ पर आपको फुल एचडी में यहाँ पर किस तरीके से बना सकते हैं परफेक्ट साइज। जी हाँ दोस्तों, ना इधर ना उधर, बिल्कुल परफेक्ट साइज आने वाला है कुछ इस तरीके का। तो जानने के लिए देखिए वीडियो। मेरा नाम है जवाद खान, आप देख रहे हैं जी टेक्निकल। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपको यहाँ पर पिक्सेल लैब को ओपन कर लेना है। इसके बाद में थ्री डॉट पर जाना है। यहाँ पर दोस्तों आपको इमेज साइज पर क्लिक करना है। दोस्तों ध्यान से देखिए दोस्तों, जो भी सेटिंग बता रहा हूँ परफेक्ट करिए, नहीं तो आपका परफेक्ट यहाँ पर नहीं बनेगा। तो इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना है, कहीं भी स्किप नहीं करना। यहाँ पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर आपको चैनल बैनर में चले जाना है। इसके बाद में यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो आपको टेक्स्ट दिख रहा है इसको आपको सबसे पहले डिलीट करना है। यहाँ पर क्लिक करिए, डिलीट के ऑप्शन पर डिलीट हो जाएगा। प्लस के ऑप्शन पर जाना है, फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करना है। और दोस्तों एक फोल्डर मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पर आप इसको यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें सभी चीज़ें हैं जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये वाला बैकग्राउंड आपको ले लेना है। अब दोस्तों बैकग्राउंड लेने के बाद आपको यहाँ पर ओके करना है। ये परफेक्ट नहीं है, इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर नीचे जाके देखना होगा। नीचे यहाँ पर जाइए सेकंड में यहाँ पर, और यहाँ पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों ध्यान से देखिए, यहाँ पर ब्लू हो रहा है, और यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको परफेक्ट कर देना है। इसके बाद में चेक मार्क लगा देना। और दोस्तों ध्यान रखना है, ये बात आपको हमेशा करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये डबल क्लिक करना है आपको, यहाँ पर लॉक कर देना है। तो लॉक करने के बाद फिर से इस पर क्लिक करना है, तो ये अलग हट जाएगा। दोस्तों ये भी मैं अगर अलग हटाऊंगा, अब बस आपको ये डंडी वगैरह कुछ नहीं दिखेंगे, आपका परफेक्ट साइज दिखेगा। तो वीडियो पूरा वॉच करिए। हमारा लग चुका है बैकग्राउंड। अब दोस्तों इसके बाद में आपको यहाँ पर इसको लॉक कर देना है। लॉक हो चुका है, अब एक बार यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पर आपको डबल दिख रहा होगा ये वाला, तो यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद में कलर्स पर चले जाना है। कलर्स पर चले जाने के बाद यहाँ पर आप कलर्स यहाँ पर बढ़ा घटा सकते हो, अलग अलग ग्रेडिंग कर सकते हो। इसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो हमको लेना है वाइट, तो वाइट हमने ले लिया है। इसके बाद में यहाँ पर चेक मार्क लगा देना है। अब दोस्तों यहाँ पर प्लस के अकाउंट पर जाना है, फ्रॉम गैलरी पर चले जाना है। इसके बाद में फिर उसी फोल्डर पर जाना है जो मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर आपको ये फोल्डर डाउनलोड करना है। दोस्तों ध्यान से आप पूरा वीडियो देखिए, यहाँ पर ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। तो यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड्स, ये आ चुका है। यहाँ पर इतना आप इस तरीके से इसको करेंगे, तो ये करने के बाद में आपको यहाँ पर चले जाना है। इस पर जाने के बाद आपको यहाँ पर नीचे कर देना है इसको, तो नीचे कर देंगे हम। तो इसके बाद में ये आ चुका है एक परफेक्ट साइज। तो इसको आप बड़ा और छोटा भी कर सकते हो, यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है, इसको आप खींच के इस तरीके से बड़ा कर सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी अच्छा परफेक्ट यहाँ पर आ चुका है। आप अपने हिसाब से भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अब दोस्तों इसको फिर से लॉक कर दीजिए। लॉक करने से पहले अगर आप इसका कलर चूज़ करना चाहते हैं, कलर यहाँ पर बदलना चाहते हो, तो सेकंड पर नीचे क्लिक करिए, कलर्स पर चले जाइए, यहाँ पर इनेबल कर दीजिए। अब दोस्तों इसका कलर चेंज हो चुका है, यहाँ पर आप अपने हिसाब से कलर चूज़ कर लीजिए। फिलहाल तो जो कलर है वही अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पर मैं वही कलर रहने देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको यहाँ पर जाना है, फिर से यहाँ पर लॉक कर देना है। अब दोस्तों हमने लॉक कर दिया। अब इसके बाद में आपको यहाँ पर साइड में आपको रेड लाना है पट्टी। इसके लिए आपको फिर से यहाँ पर सेंटर पर क्लिक करना है, बीच में अब साइड में यहाँ पर आना है, और इसके बाद में आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ये देखेगा सेव पर जाना है, यहाँ पर आपको सेव देखेगा। ये आपको यहाँ पर ये आपको रेड ले लेना है। रेड लेने के बाद आप अपने हिसाब से भी कलर चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको बस यहाँ पर थोड़ा सा रोटेट कर देना है। रोटेट करने के बाद यहाँ पर आप इस तरीके से इसको लगा सकते हो, या थोड़ा आगे पीछे अपने हिसाब से भी कर सकते हो आप। तो यहाँ पर जाना है, इसके बाद में फिर इसको नीचे कर देना है। नीचे कर देंगे तो ये चला जाएगा बैकग्राउंड में। अब दोस्तों ये देख सकते हैं, ये परफेक्ट बैकग्राउंड बन चुका है हमारा। अब इसके बाद में अब हमको टेक्स्ट ऐड करना है। तो टेक्स्ट के लिए आपको यहाँ पर प्लस के आइकन पर जाना है, टेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब टेक्स्ट पर जाने के लिए हमको फिर यहाँ से अपना चैनल का नाम लिख देना है। तो जल्दी से मैं चैनल का नाम लिख देता हूँ। गाइस यहाँ पर हमने चैनल का नाम लिख दिया, इसको ओके कर देना है। अब यहाँ पर इसको ड्रैग करके यहाँ पर ले आना है। अब दोस्तों इसमें भी आप बहुत अच्छे डिजाइन लगा सकते हो, जैसे कि यहाँ पर आपको ए लिखा है, यहाँ पर क्लिक करना है। और यहाँ पर करने के बाद में आपको कलर्स पर चले जाना है। कलर्स अभी इसका अच्छा सा ब्लैक नहीं है, यहाँ पर ब्लैक कर देना है। इसके बाद में चेक मार्क क्लिक कर देना है, फिर इसमें स्क्रॉल करना है, यहाँ पर स्टाइल आ जाएगा। तो स्टाइल पर जाने के बाद यहाँ पर आपको बोल्ड कर देना है। तो बोल्ड करने के बाद यहाँ पर ये कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों इसको स्क्रॉल कर देना है, यहाँ पर 3D शैडो आप लगा सकते हैं कुछ इस तरीके की, यहाँ पर मैंने लगाई हुई है इसलिए मैं आपको लगा के बता रहा हूँ। तो इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक परफेक्ट बन चुका है। अब दोस्तों इसको आपको लॉक कर देना है। तो यहाँ पर मैं दोस्तों जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, आप थोड़ा और परफेक्ट तरीके से भी बना सकते हैं। इस पर जाना है, इस पर
पे फिर से आपको इसको कॉपी कर लेना है, यहाँ पर पेंसिल का आइकन बजाना है, यहाँ पर कॉपी करने से आना है, यहाँ पर कॉपी कर देना है। तो यह हमारा कॉपी हो चुका है। अब दोस्तों ये फिर से यहाँ पर ड्रैग करके ले आना, इस पर डबल क्लिक करना है। अब डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लिख दीजिए जो भी आप रिलेटेड वीडियो बनाते हो, जैसे कि अगर आपका गेमिंग है तो गेमिंग लिख दीजिए, यहाँ पर मेरा है यूट्यूब तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ओके कर देना है। अब दोस्तों ये परफेक्ट बना बनाया है, बस आपको इसको छोटा करना है थोड़ा सा इस तरीके से, और यहीं पर आपको इसको फिट कर देना है। और दोस्तों आप अपने हिसाब से इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने कलर चेंज नहीं करना है, यहीं पर मुझको यहाँ पर लगाना है, तो मैंने यहीं पर क्लिक किया, यहाँ पर इसको फिट कर दिया। अब दोस्तों इसको भी लॉक कर देना है दोनों को, तो ये हमने लॉक कर दिया है। अब दोस्तों इसके बाद में एक लोगो लगा देना है, तो लोगो हमने यहाँ पर किया, यहाँ पर अब हम चल हमारा लोगो। अब दोस्तों यहाँ पर लोगो को यहाँ पर एडजस्ट कर देना है, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं यहाँ पर। अब दोस्तों यहाँ पर फिर से आपको सेकंड पर जाना है, यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर आप इसको एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के लिए आपको यहाँ पर जाना है, शैडो पर जाना है, यहाँ पर इनेबल कर देना है। अब दोस्तों इसके बाद में आपको यहाँ पर ब्लैक बैकग्राउंड ले लेना है, इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं आप, तो इस तरीके का एक बैकग्राउंड बन चुका है। अब और भी अगर आप करना चाहते हो तो यहाँ पर शैडो लगा दीजिए, ये शैडो काफ़ी अच्छी लगती है। यहाँ पर आपको फिर से जाना है, फिर से लॉक कर देना है। दोस्तों ये हमारा बन चुका है लोगो। अब इसके नीचे अब हमको यहाँ पर फिर से यहाँ पर टेक्स्ट लिखना है, टेक्स्ट नहीं यहाँ पर अब आपका लगेगा लोगो, तो लोगो हमको वही वाला लगाना है जैसे कि हमारा सोशल मीडिया लिंक्स हो गए, यहाँ पर सोशल मीडिया पर क्लिक करना है, ओके कर देना है। ये सभी मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे ही हैं, आप वहाँ पर जाके भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपको एडजस्ट कर देना है इस तरीके से, यहाँ पर आप जहाँ पर भी लगाना चाहते हैं आप यहाँ पर लगा सकते हैं, मैंने यहाँ पर रख दिया है इनको। अब यहाँ पर करने के बाद आप फिर से लॉक कर दीजिए। अब दोस्तों फिर से आपको यही टेक्स्ट पर जाना है, यहाँ पर क्लिक करिए। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको ये टेक्स्ट लिखा है इसको फिर से कॉपी कर देना है, क्योंकि दोस्तों आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, ये शॉर्ट तरीके मैं आपको बता रहा हूँ, तो शॉर्ट तरीका है ये। यहाँ पर आपको यहाँ पर लाना है, यहाँ पर क्लिक कर देना है, फिर डबल क्लिक करना है, इसको हटा के आपको अपना चैनल का नाम लिख देना है या फिर जो आपका यूज़र नेम आईडी है। तो मेरा सभी का यूज़र नेम आईडी अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मैंने लिख लिया है यहाँ पर। इसको भी अगर हम यहाँ पर इसकी शैडो देना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, पर शैडो दे दिए, काफ़ी अच्छी लग रही है, अट्रैक्टिव लग रही है। इसके बाद यहाँ पर हमने इसको यहाँ पर लॉक कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पर हमको बस इतना लिखना है कि फॉलो मी। अब हमने प्लस अकाउंट पर क्लिक किया, तो प्लस के अकाउंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमने इसको फिर से अलग हटा दिया। अब दोस्तों यहाँ पर टेक्स्ट आ गया, यहाँ पर लिखना है फॉलो मी, तो यहाँ पर चलिए लिख देते हैं कटाक से। दोस्तों ये लिखना है आपको इतना। अब दोस्तों इसके इसमें भी आपको एक अच्छा सा बैकग्राउंड लगा देना है, तो यहाँ पर आप परफेक्ट इसको कर लीजिए। इसके बाद में यहाँ पर इसको बोल्ड कर देना है, बोल्ड हम यहाँ से ये स्टाइल लगाया और यहाँ से बोल्ड हमने कर दिया है इसको। अब इसको थोड़ा सा छोटा करना है, काफ़ी अच्छा लगने लगे देखने में। यहाँ पर बैकग्राउंड पर जाना है, इनेबल करना है, इसके बाद आपको बैकग्राउंड का कलर चूज़ कर लेना है। आप येलो कर सकते हैं, इसको अपने हिसाब से भी इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये वाला कलर ले लिया, काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हमने कलर ले लिया। अब दोस्तों इसका बैकग्राउंड आपको इसका जो कलर है वो अभी परफेक्ट ब्लैक नहीं है, तो हम इसको ब्लैक कर देते हैं, इसमें ब्लैक कर दिया हमने। अब ये देख सकते हैं यह थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, तो यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, ये छोटा आ रहा था इसके आसपास, यहाँ पर थोड़ा डैश डैश मारेंगे, यहाँ पर भी थोड़ा डैश करेंगे। तो अब डैश करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये परफेक्ट अच्छा सा यहाँ पर फॉलो मी लिखा हुआ आ चुका है, ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आ चुका है, अब हमारा काम पूरा हो चुका है। अब आसपास में आप जो भी आप चाहें वो लगा सकते हैं। अब दोस्तों इसको बारी आती है सेव करने के लिए, भी काफ़ी लोग मिस्टेक कर देते हैं, मिस्टेक नहीं करना है दोस्तों आपको। यहाँ पर सबसे पहले जाना है, सबसे पहले ये लाइनिंग जो आपको दिख रही है ना, ये अच्छी नहीं लग रही है, इसको हटाना है। तो हटाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर जाना है प्लस के अकाउंट पर, एक मैंने जो आपको PNG दी है उसको आपको यहीं पर लगाना है। वो क्यों लगाना है दोस्तों अभी आप समझ जाओगे, यहाँ पर ओके करना है। अब दोस्तों ये एक PNG है परफेक्ट, यहाँ पर इसके आसपास कुछ नहीं है, तो यहाँ पर इसको हटाएंगे, तो अब इसको हम यहाँ पर फुल कर देंगे। तो यहाँ पर हमने किया, यहाँ पर ये परफेक्ट आ चुका है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे। अब दोस्तों ये आ चुका है, इसको भी हमको उठा के लॉक कर देना है। अब लॉक करने के बाद यहाँ पर सबसे नीचे जाएंगे, जो हमने पहले लगाया था सबसे पहले PNG वो वाली, यहाँ पर हमको ये आँख दिख रही है दोस्तों, ये आपको क्लिक कर देना। अब ये हट चुका है दोस्तों, ये आपका परफेक्ट आ चुका है, यहाँ पर आपको कोई भी वाटर मार्क नहीं दिख रही है, यानी कि लाइनिंग वगैरह। अब दोस्तों ये हमारा परफेक्ट बन चुका है। सेव एस पर जाएंगे, कस्टमाइजेशन पर जाएंगे, वेरी हाई पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों ये सेव एस गैलरी पर क्लिक कर देंगे, तो ये हमारा बन चुका है एक परफेक्ट HD थंबनेल। तो अब हम इसको जाएंगे यहाँ पर सबसे पहले अपने चैनल पे यहाँ पर लगा के देखेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जाना है, यहाँ पर आना है, यहाँ पर जाने के बाद आपको YouTube को खोल लेना है। YouTube को खोलने के बाद यहाँ पर लोगो पर आपको क्लिक करना है, यूअर चैनल पर यहाँ पर चले जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपको पेंसिल के आइकन पर क्लिक करना है, यहाँ पर जाना है और यहाँ पर जाना है।
तो इसके बाद में यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों ये बिल्कुल परफेक्ट आएगा, ये देख सकते हैं दोस्तों, एक पॉइंट ना ऊपर ना नीचे यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। डेस्कटॉप साइट, मोबाइल और टीवी सभी कुछ में आएगा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे किस तरीके से बना सकते हैं और अपने हिसाब से भी। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है सभी PNG की, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। और एंड स्क्रीन में काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो है, इन वीडियो को देखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।